हेलो एवरीवन, मैं हूं फजर राशिद आलम, आपका प्यार दोस्त। तो आज के इस टॉपिक में मैं बतलाना चाहता हूं कि पैन कार्ड एंड टेन कार्ड में क्या डिफरेंट है। तो ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा टेन कार्ड है। टेन कार्ड कब यूजेस होता है? जब टीडीएस का मैं जब पढ़ाई करूंगा या टीडीएस का जब मैं काम करता हूँ, किसी का अगर टैक्स काटूंगा, तब ये मेरा टेन नंबर का दरकार पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग सबसे पहले पैन समझते हैं कि पैन कार्ड है क्या। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट्स नंबर। परमानेंट अकाउंट्स नंबर पैन कार्ड का फुल फॉर्म है। पैन कार्ड मात्र दो जन का बनता है, एक पर्सन का बनता है और एक दूसरा कंपनी का बनता है। ठीक है, ओके, दो जन का बनता है, एक जीता जागता है पर्सन का और दूसरा कंपनी का। पैन कार्ड टोटल 10 डिजिट का होता है, टोटल 10 डिजिट का। अगर आपका पास पैन कार्ड बना है तो आप पैन कार्ड निकाल के देख सकते हैं। अब ये 10 डिजिट होता कैसे है, हम आपको बतलाते हैं। देखिए, मैं नीचे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर में डाला हूँ। ये टोटल जो होता है ये टोटल 10 डिजिट का होता है। ये पैन कार्ड टोटल 10 डिजिट का होता है। जो पहला डिजिट जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये टोटल अल्फाबेट होता है। और ये टोटल ये स्टार्टिंग का आपका 5 डिजिट का होता है। अल्फाबेट स्टार्टिंग जो होता है वो 5 डिजिट का होता है। उसका बाद जो नंबर होता है वो टोटल आपका 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल आपका क्या होता है, 1 डिजिट का अल्फाबेट होता है। तो पहला क्या होता है, अल्फाबेट होता है, नंबर होता है, फिर अल्फाबेट होता है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग का होता है वो 5 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है और 1 डिजिट का होता है। तो टोटल आपका 10 डिजिट हुआ। मगर सवाल ये होता है कि ये पैन कार्ड से मैं कैसे पहचानूंगा कि ये पैन कार्ड कंपनी का है या फिर पर्सन का है। पहला बात, ये पैन कार्ड दो जन का बनता है, एक पर्सन का बनता है, एक कंपनी का बनता है। तो ये पैन कार्ड से मैं कैसे पहचानूंगा कि ये पैन कार्ड जो है वो पर्सन का है या फिर कंपनी का है। तो पहचानने के लिए हमको सारा का सारा इसी में मिल जाएगा, इतना ही दूर में ए टू जेड हमको पता चल जाएगा कि ये पर्सन का है या फिर कंपनी का है। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, ये चौथा डिजिट में, ये जो पी लिखा हुआ है ये जो चौथा डिजिट में, ये चौथा डिजिट से आपको 4 डिजिट से पता चलेगा कि ये 4 डिजिट से पता चलेगा अगर पर्सन है। पर्सन का पहला वर्ड क्या आता है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहां पर लिखते हैं पर्सन एंड यहां पर लिखते हैं कंपनी, ओके। अगर यहां 4 डिजिट में पर्सन का पहला वर्ड क्या है, पी है। अगर ये किसी पर्सन का पैन कार्ड होगा तो ये 4 डिजिट में आपका पी लिखा हुआ होगा। अगर यही पैन कार्ड आपका कंपनी का होता है तो कंपनी का पहला डिजिट क्या है, सी है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर पी का बदले में सी हो जाएगा। अगर यहां पर ही पी है तो मतलब पर्सन, अगर सी है तो कंपनी। तो ये 4 डिजिट से आपको पता चल जाएगा ये कंपनी का पैन कार्ड है या फिर पर्सन का है। सेकंड, उसका बाद जो ये 5 डिजिट, ये लास्ट का, ये लास्ट का क्या पता करता है, ये जो एस लिखा हुआ है ये आपका सब सरनेम आपका डिफाइंड करेगा कि आपका सरनेम है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं, एक नाम लिख देते हैं यहां पर, सोनू सिंह। तो ये सिंह जो है वो सरनेम है इसका, ये सरनेम का पहला वर्ड क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो ये एस ये क्या होगा आपका, जो ये 5 डिजिट है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट से आपका सरनेम पता चलेगा कि आपका सरनेम क्या है। तो पैन कार्ड टोटल 10 डिजिट का होता है। आपका चौथा डिजिट से यहाँ पर 4 डिजिट से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी का है या फिर पर्सन का है। अगर पर्सन का होगा तो यहाँ पर सरनेम पता चलेगा कि सरनेम क्या है। अगर यहाँ पर दिया रहेगा शाहरुख खान, सलमान खान यहाँ पर दिया रहेगा, या सोनू सिंह लिखा हुआ होगा, या आपका कविता कुमारी लिखा होगा, तो कुछ भी होता है तो यहाँ पर सरनेम का पहला वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका 4 डिजिट का है ये सीरियल नंबर चलता है, मतलब पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का आपका सीरियल नंबर चलेगा कि ये सीरियल नंबर आपको कितना दिया गया है या आपका पैन कार्ड का तरफ से दिया जाता है। तो ये टोटल 10 डिजिट का होता है और ये 4 और 5 डिजिट से पहचाना जाएगा कि ये कंपनी है और सरनेम क्या है और कंपनी है या फिर पर्सन है, ये आपका पहचाना जाएगा। ये पैन कार्ड था आपका। अब आते हैं 10 में। 10 का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट्स नंबर।
ये जब आप टीडीएस काटिएगा ये सबसे ज्यादा यूज होता है 10 में, ये टोटल 10 डिजिट का होता है। अब 10 डिजिट कैसे कैसे होता है, पिन कार्ड में पहला आपका दिया था 5 डिजिट, वहां पिन कार्ड का ठीक अपोजिट हो जाता है, पिन कार्ड का ठीक अपोजिट हो जाएगा, पहला यहां पर 4 डिजिट दिया रहेगा, फिर उसके बाद 5 डिजिट दिया रहेगा, उसके बाद फिर 1 डिजिट दिया होगा यहां पर आपका। तो 4 डिजिट जो होता है वो अल्फाबेट होता है, 5 डिजिट आपका नंबर होगा और 1 डिजिट आपका अल्फाबेट होगा, तो ये टोटल आपका 10 है। अब हम आपको डिफरेंट बतला रहे हैं पेन और टेन में क्या डिफरेंट आ सकता है यहां पर आपका। तो यहां पर पेन और टेन में क्या डिफरेंट होगा, हम आपको यहां पर दो नकीर आपको कॉलम करके दिखला दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर ही लिखते हैं आपका पेन, पेन टोटल होता है 10 डिजिट हुआ। कैसे कैसे होता है, फॉर एग्जांपल पहले 5 डिजिट होता है, 1 2 3 हो गया। अब यहां 3 होने के बाद 4 डिजिट से पता चलेगा कंपनी है या फिर पर्सन है, यहां पर हम पी लिख देते हैं तो पर्सन हो गया, और एक और अल्फाबेट लगा देते हैं, जैसे यहां पर ही कुमारी है तो के लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया आपका 5 अल्फाबेट हो गया, फिर 4 नंबर होता है 1 2 3 4, उसके बाद एक अल्फाबेट होता है। तो आपका यहां पर क्या हो गया टोटल, अगर देखा जाए तो 5 अल्फाबेट हो गया, 4 नंबर हो गया, एक अल्फाबेट हो गया, टोटल 10 डिजिट हो गया। यही आपका यहां पर टोटल, यहां पर अब आते हैं 10 में, 10 में क्या है यहां पर आपका, यहां पर भी आपका टोटल 10 डिजिट है, बट यहां पर ही 10 डिजिट आपका ठीक अपोजिट हो जाता है। यहां पर क्या था, पहले आपका 5 था ना, पहले आपका यहां पर 5 है, मगर यहां पर अपोजिट हो जाएगा, पहले यहां पर 4 हो जाएगा, जैसे ए एस डब्ल्यू पी हो जाएगा, फिर उसका बाद यहां पर आपका दिखेगा यहां पर 4 डिजिट है, तो यहां पर हम 5 डिजिट हो जाता है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 डिजिट हो गया। उसके बाद यहां पर एक डिजिट और लिख देते हैं, कुछ आखिरी डिजिट जो होता है वो अल्फाबेट हो जाता है, जैसे आर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा पेन और टेन में क्या डिफरेंट है, पेन में यहां पर टोटल 10 डिजिट है दोनों ही पे, मगर यहां पर आपका टोटल 5 डिजिट पहले आता है और इसका 4 डिजिट पहले आएगा, इसका 4 डिजिट फिर आता है, फिर इसका 5 डिजिट हो जाएगा, फिर लास्ट का जो 1 डिजिट है दोनों ही में रहता है। तो ये था आपका पेन एंड टेन का दोनों का ही डिफरेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, दोनों 10 डिजिट का होता है, जिसमें आपका पेन डिजिट पेन का ही आपका 4 डिजिट और 5 डिजिट से पता चल जाएगा कंपनी है या सरनेम क्या है, आपको इससे पता चल जाएगा। मगर 10 में ऐसा कुछ होता नहीं है, 10 का आपका जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा वही हिसाब से आपका 10 वाला क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, टोटल 10 डिजिट का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10 और पेन में क्या डिफरेंट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।